गुड मॉर्निंग सो कल हम लोग क्या किए कल हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किए राइट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने कल सीखा मेरा वॉइस आ रहा है सबको ऑनलाइन में येस और नो फटाफट से थम्सअप सब दीजिए सबको वॉइस आ रहा है ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर ओके ठीक है तो कल हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चालू किया राइट right? हम लोग सीखे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल डिस्काउंट कंपाउंड डिस्काउंट राइट वी लर्न अबाउट अक्यूमुलेशन फैक्टर्स एंड द गोल्डन रूल वॉज अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ठीक है हमने कल एक पीओसी रूल भी सीखा तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का रूल क्या बोलता है ए जीरो टू फोर इंटू ए फोर टू सेवन इंटू ए सेवन टू टेन विल बी ए जीरो टू टेन एंड ए जीरो टू टेन का मतलब क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम टेन यहां तक सबको ठीक है अच्छा हमने एक और चीज सीखा था हमने यह भी सीखा था वी जीरो टू एन इसका मतलब क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम एन टू टाइम जीरो मतलब टाइम एन पे जो पैसा है उसको हम लोग को टान के कैसे हम लोग जीरो पे लाएंगे राइट ठीक है अब जैसे एक चीज देखो अक्यूमुलेशन फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर का हम लोग जो बात किए थे सिंपल इंटरेस्ट में था वन प्लस एन आई कंपाउंड इंटरेस्ट में था वन प्लस आई टू दी पावर एन आप एन के जगह में वन डालो एन के जगह में वन डालो तो आपको क्या मिल रहा बताओ वन प्लस आई वन प्लस आई राइट एन एज वन तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता है एक साल का जो अक्यूमुलेशन फैक्टर है वो क्या होगा वन प्लस आई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दो साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनेगा दो साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर का मतलब है ए जीरो टू टू मेरा क्या बनेगा वन प्लस आई का स्क्वायर ए जीरो टू थ्री मेरा क्या बनेगा वन प्लस आई का क्यूब जीरो टू एन मेरा क्या बनेगा वन प्लस आई टू पावर एन ये बहुत बेसिक है नाउ अनलेस अगर वो लोग बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग को क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव कंपाउंड 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 सिंपल मतलब सिंपल कमर्शियल मतलब भी सिंपल राइट right? तो ये जो हमने किया ए जीरो टू एन इज वन प्लस आई टू दी पावर एन ये मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर है फॉर एन ईयर्स राइट पैसा को अगर मेरे को एन ईयर्स आगे लेके जाना है तो मैं ये वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा राइट नाउ लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट तो छह परसेंट अगर ब्याज का रेट है तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा वन पॉइंट जीरो सिक्स ये एक साल का फैक्टर है दो साल का फैक्टर क्या बनेगा वन पॉइंट जीरो सिक्स का तीन साल का वन पॉइंट जीरो सिक्स का क्यूब एंड सो ऑन राइट right? ये मेरा फैक्टर बनना चालू हो गया हमने क्या सीखा हम लोग अब डिस्काउंट में देखते हैं वन माइनस एन डी वन माइनस डी टू दी पार एन आप एन के जगह में वन डालोगे तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा वन माइनस डी मतलब एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वॉट वन माइनस डी एंड हमने क्या सीखा था दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर तो मतलब वन माइनस डी ज वन बाय वन प्लस आई ये सबको समझ में आया येस और नो आज के क्लास का हमारा मोटो ये है हम लोग को कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रेट दे दे हम लोग को कोई भी टाइप का डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए एंड वाई से वर्जा ठीक है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट रेट नाउ वाई व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ टूडे टॉपिक ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को आज का चीज क्यों पढ़ना है क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखते हो तो जरूरी नहीं है कि वो एक साल का ही होगा या फिर उसमें सिंपल या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा राइट सो so बेसिकली क्या होता है कि वो एक महीने का भी हो सकता है दो हफ्ते का भी हो सकता है बैंक टू बैंक ओवरनाइट लेंडिंग भी होता है ठीक है ना आज तुम मेरे को पैसा दे दे हम तो को चार दिन बाद पैसा लौटा देगा हो सकता है लिक्विडिटी क्रंच हो एक होता है पेपर वेल्थ और एक होता है लिक्विडिटी ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक होता है घर पे तिजोरी में कितना कैश रखा है जो कि बहुत इजीली यूजेबल है नेक्स्ट क्लास से लेट नहीं आना जो जो कि बहुत इजीली यूजेबल होता है यूजेबल का मतलब क्या होता है आप मार्केट में जाओगे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो राइट एक होता है पेपर वेल्थ घर ठीक है गाड़ी तो ये सब बहुत इजीली सेलेबल नहीं है तो बेसिकली ये पेपर पे तो है बट इसको हम लोग इंस्टेंटली यूज नहीं कर सकते हैं वट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट इट इज कैश लोग गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं बिकॉज गोल्ड जब आप देखोगे जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है तब गोल्ड का दाम बहुत बढ़ जाता है अभी देखो क्या हुआ अभी फिर से गोल्ड का दाम बढ़ रहा है राइट देर आर वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक रीजन जिसकी वजह से गोल्ड का दाम बढ़ रहा है एंड गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट गो इनवर्सली प्रपोर्शनल मतलब जब गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो तुम लोग देखना स्टॉक मार्केट में हल्का सा एक डाउन ट्रेंड टाइप का आता है ठीक है एन वाइस ठीक है सो वन माइनस इज व्हाट वन प्लस आई मतलब factor, ये अगर हम एफेक्टिव का, बात करेंगे, N का बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा वन माइनस डी टू दी पावर एन बाई वन प्लस आई टू दावर एन ये भी ठीक है एन ईयर्स का मैंने कर दिया यहां पर मैंने क्या चीज को इक्वेट किया है मैंने एन ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर को एन ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर से इक्वेट किया है ठीक है? है अच्छा अब और सुनते चलो जब बैंक में जाओगे तो आपको मान लो पैसा छह महीने के लिए रखना है तो छह महीने के लिए पैसा रखने के लिए तो छह महीने का रेट चाहिए होगा तीन महीने का रेट चाहिए होगा एक साल का नौ महीने का तो कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रेट दे, दे दे उससे कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकालना

छोटा वी छोटा वी क्या मतलब एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी जस्ट हमने देखा एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वन माइनस डी कंपाउंड डिस्काउंट मान के चलो कंपाउंड डिस्काउंट मान के चलो सो so, दो साल को हम लोग बोलेंगे वी स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा वन माइनस डी का वी क्यूब क्या हो जाएगा वन माइनस डी टू दी पावर थ्री डॉट डॉट वी टू दी पावर एन इज वॉट वन माइनस डी टू पावर एन वॉट इज वी टू पावर एन एन ईयर्स का वॉट इज वी टू दी पार एन एन ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर राइट वी टू दी पार एन इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ओके सो वी इज वन माइनस डी वाला भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा दैट इज वन माइनस डी ठीक है सो so, हम लोग ये भी बोल सकते हैं V क्या है बताओ V क्या है बोलो अरे बोलो V क्या है गोविंद भाई बोल अब देखो मेरा अब उम्र होते जा रहा है अब तुम लोग के भैया दीदी पढ़े हैं पांच साल छह साल पहले अब देखो छोटा भाई लोग पढ़ने आया है ठीक है उसके भैया इसी क्लास में थे अब वो भी भैया की तरफ बनेगा तो इसीलिए बोलो वी क्या एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज वन बाय एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर तो वी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वन बाय वन प्लस आई राइट इस कोर्स में तुमको अपना दिमाग को खुला रखना पड़ेगा बंद दिमाग से ये पेपर कोई नहीं क्लियर कर सकता है ज्यादा पढ़ के पेपर कोई नहीं क्लियर कर सकता है ठीक है ना माइंड शुड बी ओपन ऑल द टाइम दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी शुड बी देयर लॉजिकली सोचना बिकॉज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम मैंने सोचो क्या एग्जाम होगा ऐसा कोई एग्जाम हो सकता है कि तुम्हारे पास में सोल्यूशन है तुम्हारे पास में दुनिया का हर रिसोर्स है तुम्हारे पास में फॉर्मूला बुक है बट स्टिल तुम फेल हो जाओगे ठीक है सो बेसिकली द आइडियोलॉजी इज दैट कि बाहर में जो भी सब एग्जाम्स होते हैं उसका मेन एजेंडा ये है कि मगिंग अप को छोड़ो रीजनिंग पे फोकस करो ठीक है ना रीजनिंग पे फोकस करो और ये देखो कि वो सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज देयर और नॉट ठीक है ना तो वी इज वन बाई वन प्लस आई और वी वन माइनस जी भी है तो उसमें छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे आई मेरे को दिया हुआ फाइव परसेंट मेरे को निकालना है V तो so मैं V कैसे निकालूंगा वन बाय पॉइंट जीरो फाइव राइट मेरे को निकालना है D सो so D कैसे निकालेंगे बताओ वन माइनस अब देखो V इज वन माइनस डी तो D क्या हो जाएगा वन माइनस वी सो वन माइनस वी का वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करो कल कर सब कैलकुलेटर का वीडियो देखा घर पे जाके कैलकुलेटर का वीडियो देखना था एक्सेल का बेसिक्स का वीडियो हमने डाल दिया है एक्सेल का बेसिक्स अब धीरे धीरे देखना चालू करो ठीक है धूप बहुत बढ़ गया है कल से क्लास साढ़े नौ बजे होगा ठीक है गलत है वन बाय वन पॉइंट जीरो फाइव है पॉइंट जीरो फाइव नहीं है जीरो पॉइंट गलत है वी का वैल्यू बोलो पहले जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू थ्री अब एक बात सोचो जब वो मेरे को बोली जीरो पॉइंट जीरो फोर मेरे हाथ में तो कैलकुलेटर नहीं था तो मैं कैसे सोचा कि वो चीज गलत है देखो V जो होगा ना वन बाय है डिनोमिनेटर में क्या है वन से कोई बड़ा वैल्यू है एक लॉजिकली सोचो इंटरेस्ट रेट पांच परसेंट का है ठीक है मतलब आज हम लोग कुछ डिपॉजिट करेंगे और एक साल के बाद में मेरे को एक रुपया मिलेगा इसका मतलब यही है ठीक है, डिपॉजिट so, करेंगे दैट शुड बी समवेयर रिलेटेड टू पॉइंट नाइन फाइव या फिर उसके थोड़ा ऊपर नीचे चीज समझने का ट्राई करो आज अगर मान लो इंटरेस्ट रेट आठ परसेंट है ठीक है तो आज एक रुपया लगाएगा तो एक साल बाद वन पॉइंट जीरो एट मिलेगा या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर एक रुपया मिलना है तो आज कितना लगाएंगे वन बाय वन पॉइंट जीरो एट सो इट शुड बी समवेयर वेरी क्लोज टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट नाइन टू में जब पॉइंट जीरो एट एड करेगा तब ना बनाएगा आएगा right? राइट ठीक है एक और चीज देखो ये डी कितना आ रहा है पहले बताओ फिर उस उसमें जाएंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन सिक्स ठीक है ना अब आगे एक चीज देखो ये टाइमलाइन है नीचे हम लोग टाइम प्लॉट कर रहे हैं ठीक है यहां हंड्रेड मैंने डिपॉजिट कर दिया टेन परसेंट पे तो यहां मेरे को एक सौ दस मिला मेरा फैक्टर क्या बन रहा है वन पॉइंट वन फ्यूचर में एक सौ दस मिलना है आज कितना डिपॉजिट करे तो हम लोग कैसे करेंगे एक दस बाय पॉइंट वन हा कि ना बोलो एक सौ दस जब आगे लेके जाना है अब रट, अब रटने वाले बच्चे कृपया ध्यान देंगे जब आगे लेके जाना है तो करना है मल्टीप्लाई जब पीछे लेके आना है तो करना है डिवाइड लो कर दिया सिंपल ठीक है ना आगे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई और पीछे लेके आएंगे तो डिवाइड जब आगे लेके गए तो क्या किए हंड्रेड इंटू वन पॉइंट वन अब जब पीछे लेके आ रहे तो पेंट नया हटो ठीक है दीवार में कोई नहीं सटेगा ऐसे देखते धीरे धीरे दीवार का पेंट वेंट सब नया है ठीक है ना तुम्हारा शर्ट का प्रॉब्लम नहीं पेंट खराब हो जाएगा तो डिवाइड जब पीछे लेके आएंगे तो क्या होगा वन हंड्रेन टेन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आएगा क्लियर हो रहा है क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि आगे लेके जाना है तो मल्टीप्लाई ये क्या है ये है प्रेजेंट वैल्यू ये है अक्यूमुलेटेड वैल्यू ठीक है ये वन पॉइंट वन क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर और ये वाला क्या है वन बाय वन पॉइंट वन इज वॉट वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर विच इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सबको समझ में आया ये ला जो बनाए हैं पूरा ठीक है अब सुनते चलो ठीक है अब सुनते चलो अब तुम लोग गया एस बैंक ठीक है कभी कोई गया बैंक गया है. बैंक कभी पहले गए हो तुम लोग चेक जमा करने पासबुक अपडेट करने नहीं गए कभी बैंक नहीं गए हो जाओ एक बार ठीक है एस बैंक में जाएगा तो पहले एक आदमी वहां पर खड़ा रहेगा पहले वो तुमको नहीं लंच टाइम तो ठीक है पहले वो तुमको टोकन बोलेगा टोकन फिर टोकन तुमको अलग जगह से लेना पड़ेगा फिर वहां से जाएगा बोलेगा बैठिए फिर एक और जगह पे फिर एक और जगह पे तुम थक के बोलेगा हमसे नहीं होता है सब हम, हमको हमको बैंक मत भेजा कीजिए ठीक है तो <laughs> जिस दिन पापा मम्मी को गुस्सा आएगा ना उस दिन आप देखो तुम लोग को बैंक भेजेंगे ठीक है तो एस में मान लो सौ रुपया जमा करा रहे हैं यहां पर क्या होता है इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्स परसेंट सालाना सिक्स परसेंट एनुअल इज द इंटरेस्ट रेट ठीक है सो तुम हंड्रेड रुपीज है इसका ब्रेकअप कैसे होगा हंड्रेड और सिक्स कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग क्या मानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा साल में एक ही बार पैसे का कंपाउंडिंग होगा एंड वो होगा छह परसेंट के हिसाब से ठीक है तो तो हंड्रेड और सिक्स सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा हंड्रेड और सिक्स और यहां पर क्या आ जाएगा सिक्स एंड सिक्स का छह परसेंट 6 का जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है so, टोटल आ जाएगा दो साल के बाद में यही होगा तो ब्याज से ब्याज मिलेगा तो यही होगा ठीक है एक्सिस बैंक है, बैंक. So, बैंक क्या करता है इंटरेस्ट देता है एवरी हाफ ईयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एंड इट इज थ्री परसेंट आज तक तो मेरे को यही लगता था कि अगर हाफ ईयर में तीन परसेंट मिलेगा तो पूरा साल में कितना मिलेगा इंटू टू सिक्स परसेंट बट द आंसर इज नो क्यों बिकॉज वो तीन परसेंट दोबारा से कंपाउंड होगा एंड यू विल गेट समथिंग मोर देन देसेंट नॉट सिक्स परसेंट बट समथिंग मोर देन सिक्स परसेंट लेट्स चेक इट आउट सो यहां पर तुम अगर हंड्रेड रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहां से ब्रांच निकला हंड्रेड थ्री फिर यहां से ब्रांच निकला हंड्रेड थ्री फिर यहां से निकलेगा थ्री एंड थ्री का थ्री परसेंट तो जब तुम इसका टोटल करेगा तो ये आएगा वन जीरो सिक्स पॉइंट जीरो आ रहा था वन जीरो मतलब कि आज मेरे को समझ में आया आज मेरे को समझ में आया कि ब्याज एंड तीन परसेंट आधा साल का ब्याज इज नॉट द सेम अप्रोक्सिमेटली इट्स सिक्स परसेंट बट एक्यूरेटली इट्स नॉट उंडिंग compounding पे कंपाउंडिंग compounding हो रहा है ब्याज पे ब्याज मेरे को मिल रहा है सो दैट इज वाई थ्री परसेंट पर हाफ इज वॉट सिक्स पॉइंट परसेंट अप्रोक्सीमेटली एनुअली इट सिक्स परसेंट बट एक्टली इट सिक्स पॉइंट जीरो सबको समझ में आ रहा है अब जब नेक्स्ट ईयर इससे ब्रांचेस निकालूंगा तो और बहुत ज्यादा बनते जाएगा राइट right? अब मेरे को फैक्टर मेथड में आने दो फैक्टर मेथड क्या बोलता है यहां पर एक साल का फैक्टर बनेगा 1.06 पॉइंट यहां पर एक आधे साल का फैक्टर बनेगा 1.03 इसका मतलब क्या है तुम एक रुपया लगाएगा छह महीना के बाद में तुमको 1.03 मिलेगा फिर दोबारा छह महीना के बाद में क्या होगा जो 1.03 है वो वापस से ग्रो करेगा 1.03 फिर एक और आधा साल में क्या होगा वापस से 1.03 फिर एक और आधा साल में क्या होगा एंड सो ऑन तो दो साल में चार बार कंपाउंडिंग होगा तीन परसेंट का और यहां पर छह परसेंट के हिसाब से दो बार होगा राइट right? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं क्लियर हो गया ये कॉपी कर लो तो यहां पर मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हो रहा है ए जीरो से वन यहां पर क्या होगा एरो पॉइंट फाइव फिर आएगा ए जीरो पॉइंट फाइव से वन समझ में आ रहा है ये मेरा क्या है 1.03 ये मेरा क्या है 1.03 ठीक है यहां पर ये a0 से 1 क्या है 1.06

अब एक चीज समझना अब जैसे आई जो होता है ना आई इज annual इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है नोटेशन लिखवा रहा हूं पहले आई टू ये आई स्क्वायर नहीं है आई है उसके ऊपर में टू है और ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है एक साल को दो भाग में डिवाइड करो तो क्या निकलता है आधा साल सो दिस इज इसको फिर डिवाइड बाय टू करो सो दिस इज मैं सब कुछ समझा दूंगा दिस इज हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलरली अगर एक साल को हम लोग चार भाग में डिवाइड करेंगे सो so क्या आ जाएगा क्वार्टर Quarter, तो क्वार्टरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल को अगर 12 भाग में डिवाइड करेंगे दिस इज मंथली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है आई के ऊपर में फोर है फिर ब्रैकेट है और डिवाइड में फोर है यह नोटेशन है मैं समझा रहा हूं ये कॉपी कर लो पहले एक बार अपना जो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था ना वो एग्जाम्पल में क्या था जो छह परसेंट सालाना ब्याज मिल रहा था पर एनम इंटरेस्ट विक्स परसेंट सो so फिर हम बोला कि हर आधा साल में इफेक्टिवली मेरे हाथ में कितना मिलेगा तीन परसेंट जो दूसरा वाला जो बैंक था सो so ये जो आई टू बाई टू जो पूरा है ना ये वो तीन परसेंट है परसेंट का मतलब क्या है कि इफेक्टिवली मेरे हाथ में कितना मिलेगा तीन परसेंट ठीक है तो एक आधे साल का जो फैक्टर बना वो बना वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वन प्लस आई टू बाय टू ये एक आधे साल का फैक्टर है नोटेशन के फॉर्म में ये एक आधे साल का फैक्टर है तो एक साल का फैक्टर क्या बनेगा वन प्लस आई टू बाई टू का होल स्क्वायर ये मेरा बन गया एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर या फिर वन पॉइंट जीरो थ्री का स्क्वायर ठीक है अभी अगर मान लो हर क्वार्टर में इफेक्टिवली मेरे को दो परसेंट मिलता है तो आई फोर बाय फोर आई फोर बाय फोर मेरा क्या हो जाएगा दो परसेंट विच इज जीरो पॉइंट जीरो टू एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनेगा यह एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर है तो यह मेरा क्या बन जाएगा वन पॉइंट तो दो क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनेगा आई फोर बाई फोर का स्क्वायर विच इज वन पॉइंट जीरो टू का एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनेगा कॉपी करो यहां तक पहले वाला कॉपी नहीं हुआ कॉपी कर लो ये कॉपी हो गया सबका कॉपी अब इसका मतलब समझो मैंने बोला आई टू बाई टू है मेरा तीन परसेंट या फिर जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो आई टू मेरा क्या हो जाएगा ये है मेरा अप्रोक्सीमेटली एनुअली कितना मिलेगा एनुअली अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा विच इज आई टू एनुअली अप्रॉक्सिमेटली का मतलब क्या है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया अप्रोक्सीमेटली सालाना कितना मिलेगा एंड ये इजीली इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट हो सकता है जैसे कि अब जैसे यहां परसेंट है तो मैं तुमको देता हूं आई फोर इज एट परसेंट इसको पहले बोलते कैसे पहले ये समझ लो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल मतलब annualized, जबरदस्ती वाला अप्रोक्सीमेट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली कन्वर्टिबल क्वार्टरली मतलब आई फोर कन्वर्टिबल सेमी एनुअली मतलब आई टू कन्वर्टिबल मंथली मतलब आई टूल्व कन्वर्टिबल डेली मतलब आई थ्री सिक्सटी फाइव कन्वर्टिबल वीकली मतलब फिफ्टी टू ठीक है सो कन्वर्टिबल इज द की नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कन्वर्टिबल भी बोलते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है इसका वर्ड्स में मतलब क्या है नॉमिनल Rate of Interest Convertible Quarterly This is what Nominal Rate of Interest कन्वर्टिबल सेमी एनअलीज आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिबल दीज आर अप्रॉक्स रेट्स जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट्स एंड इसको ईजीली हम लोग इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके अब जैसे आईफोर दिया है तो, तो इससे तुम क्या निकाल सकता है क्वार्टरली इफेक्टिव कैसे निकालेगा डिवाइड बाय फोर करके तुम डिवाइड बाय फोर करेगा तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा क्वार्टरली इफेक्टिव और फिर उसको तुम कैलकुलेशन में यूज कर सकता है बट इसको तुम डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुमको पता है अगर आई फोर एट है इसका मतलब क्या है आई फोर बाई फोर दो परसेंट है एंड आई फोर बाय फोर मतलब हर क्वार्टर में इफेक्टिवली दो परसेंट मिल रहा है इसका मतलब एक क्वार्टर का मेरा फैक्टर क्या बनेगा 1.02 दो क्वार्टर का मेरा फैक्टर क्या बनेगा 1.02 का स्क्वायर और चार क्वार्टर यानी कि एक साल का मेरा फैक्टर क्या बनेगा 1.02 टू ठीक है और वहां से अगर मेरे को एनुअल रेट निकालना है एक वहां से अगर मेरे को एनुअल रेट निकालना है तो हम करेंगे 1.02 पॉइंट जीरो टू टू दी पावर फोर ये एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है तो इसी को हम लोग एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर से इक्वेट कर देंगे तो यहां से आई सॉल्व करो कितना आ रहा है यहां से आई सॉल्व करो कितना आ रहा है 1.02 जीरो टू टू दी पर फोर माइनस वन एट परसेंट समझा अभी जस्ट हम लोग क्या किए इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट कर दिए कहां से कहां का इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट कर दिए क्वार्टर से एनुअल का इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट कर दिए वी इक्वेटेड एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर विथ एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर ठीक है ना सबको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं हां एकदम क्लियर है हां यहां तक सबको क्लियर है तो एकदम कॉपी कर लिया इसको इसके बाद लिखो नोट नोट में लिखो नोट में लिखो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नोट में लिखो दे आर एनअलाइज फटाफट लिखना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखो दे आर एनुअलाइज दे आर एनुअलाइज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट दे आर एनुअलाइज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिबल्स दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिबल्स they can be used to calculate they can be used to calculate effective rates of interest they can be used to calculate effective rates of interest I 12 is 18%. Example. Example I 12 is 18%. Liko, this is known as. This is known as nominal rate of interest. Nominal rate of interest. Convertible. This is known as nominal rate of interest. कन्वर्टिबल मंथली नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल मंथली अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी लिख लो जब I12 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तब मेरा आएगा 0.015 पॉइंट जीरो डेढ़ परसेंट ठीक है ना तो यहां से मेरा क्या निकल गया मंथली इफेक्टिव रेट और फिर उससे हम चाहे तो अब कुछ भी निकाल सकते हैं ये वाला पूरा क्लियर हो गया अब समझ में आया आई आय फोर बाई फोर क्या है आई फोर क्या है ठीक है ना अब इसके बाद में ध्यान देना मैं पूछता हूं कि ये क्या है वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व ये क्या है मेरे को ये बताओ ये क्या है इसमें आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व क्या है तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है मेहुल हाँ तुम बताओ आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व क्या है आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व क्या है मैं दोबारा पूछता हूं I12 क्या है उसके बगल में ये तुम बताओ डरो नहीं गलत तुम बताओ मंथली मंथलीफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आई ट्वेल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल मंथली जिसको डिवाइड बाई ट करने से मेरे को मिलता है मंथली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे तुम इस एग्जाम्पल में मेरे को यह बताओ कि हम लोग का आई ट्वेल्व अच्छा तो दे दिए सॉरी ठीक है सो so, ये जो आई 12 बाई ट्वेल्व है ये क्या है मतलब ये 1.5 परसेंट जो है ये क्या है ये बताओ 1.5 परसेंट जो है ये क्या है मंथली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा बारह बार कंपाउंडिंग होगा ये क्या है वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व ये क्या है ये बोलो ये क्या है बताइए क्यूमुलेशन फैक्टर फॉर वन मंथ वेरी गुड तो ये क्या आएगा वन पॉइंट जीरो वन फाइव तो वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दी पावर थ्री ये क्या है उसके बगल में आप बताइए यस अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर थ्री ईयर्स गलत तुम बोलो क्या है ये हाँ तो क्या आएगा बोलो क्या आएगा तुम लोग सब वो है बोलो तुम बोलो खाली अरे कुछ करना नहीं खाली वैसे बताओ बोलो मैंने ये क्या लिखे यहां पर हम ये क्या होगा मैंने 1.015 पॉइंट जीरो वन फाइव टू दी पावर थ्री ये क्या है तीन महीने का क्यूमुलेशन फैक्टर मतलब एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर एक सेकेंड ये एक क्वार्टर का है तो वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दावर ट्वेल्व तो फिर ये क्या है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर ठीक है तो ये मेरा आएगा वन पॉइंट जीरो वन फाइव टू दावर ट्वेल्व बोलो हो गया ठीक है चलो आओ, आग। अब आगे चलते हैं अब जैसे मान लो मेरे को दिया है आई छह परसेंट मेरे को निकालना है आई टू हमेशा याद रखना सेम टाइम का अक्यूमुलेशन फैक्टर को सेम टाइम का अक्यूमुलेशन फैक्टर से ही इक्वेट कर सकते हैं ठीक है जैसे इन दोनों के लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे वन प्लस आई ये क्या है बताओ पहले वन प्लस आई क्या है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर तो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर को वन प्लस आई टू बाई टू ये क्या है ये उसके पीछे तुम बताओ फॉर हाफ ईयर अगर पावर में टू लगा देंगे तो तुम बताओ क्या बन जाएगा एक साल का तो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर को एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर से क्या किए इक्वेट अब इसमें एक चीज पता है और एक चीज नहीं पता है एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और क्या निकालना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली ये हम लोग को निकालना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली ये हम लोग को निकालना है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना वन पॉइंट जीरो सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस आई टू बाई टू का स्क्वायर फिर इसके बाद में वन पॉइंट जीरो सिक्स ये टू जब उधर जाएगा तो पावर में हाफ हो जाएगा हाफ इज वन प्लस आई टू बाय टू सो वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर हाफ माइनस वन होल इन टू टू समझा सर ये क्या कर गए आप मतलब टू इधर जाएगा तो हाफ फिर माइनस वन और फिर इंटू टू देख लो टू उधर गया तो हाफ फिर अब माइनस वन और फिर इंटू टू सिंपल है एकदम बेसिक इधर उधर वाला है क्लास सिक्स का क्लास चल रही है ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो आराम से तुम रूट में कहां चला गया तुम क्या कर रही है कुछ भी दबा दिया तुम बटन उल्टा फुलटा कैलकुलेटर में क्या दिया है 1.06 है ना तुम किसका रूट निकाला करो देखे टू दी पावर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं मान ली तुम्हारा करो I2 कितना आ रहा है जीरो पॉइंट अब तुम लोग समझा एक साल में अप्रोक्सीमेटली सॉरी वेन द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट अब तुम लोग का आई टू बाई टू क्या आया था आई टू बाई टू क्या आया था मतलब दिस डिवाइडेड बाई टू आ गया तो तुम ये क्यों लिखा वन पॉइंट डबल जीरो नाइन नाइन फाइव क्या था आ गया तो हम रोके तब आया है जीरो पॉइंट जीरो टू समथिंग आ रहा है ना अब तुम लोग एक चीज समझो ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठाओ कि साल में छह परसेंट इफेक्टिव है तो हाफ ईयर का इफेक्टिव समवेयर वेरी क्लोज टू थ्री परसेंट बट नॉट थ्री एंड मोर देन थ्री बाय थ्री से कम क्यों थ्री से कम क्यों क्योंकि वो दोबारा से अक्यूमुलेट होगा ना अगर 1.03 का स्क्वायर कर देंगे तो वो तो 6.09 परसेंट होगा छह परसेंट चाहिए ना तो गिराएंगे तो मतलब यहां से भी इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो एक दो सम और करेंगे तो तुम लोगों को क्लैरिटी आएगा इसमें बट इसलिए अभी से स्ट्रेस डालने बोल रहे हैं ठीक है थीके? ये हुआ अब सिमिलर में फोर निकालना है तो कैसे निकालेंगे विल डू वन प्लस आई इज इक्वल टू वन प्लस आई फोर बाई फोर होल टू पावर फोर अब इसको सॉल्व करो सो वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर वन बाय फोर फिर माइनस वन फिर होल इनटू 4 फोर इज व्हाट आई फोर सो दिस इज नैनोटेक इसलिए ये देखो ऑटोमेटिक रेड में आता है इसमें दिस इज जस्ट बिकॉज टू इन्फॉर्म यू ऑल की ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना नहीं तो पूरा सम का आंसर गलत आएगा ये रेड मार्किंग तभी आएगा मेरा पेन में और ये ऑटोमेटिक है ये डिटेक्ट कर लेता है तो वो रेड तभी आएगा मतलब जहां पर डेंजर है एग्जाम में मतलब समझ लो कभी ब्रैकेट खोलना ब्रैकेट बंद करना या फिर मान लो कभी ये डिवाइड में भी आ सकता है डिवाइड करना भी भूल सकता है तो ये तभी आएगा जब मतलब तुम लोग को कोई को खतरा हो ठीक है जीरो पॉइंट जीरो ठीक है सो यू आर गेटिंग इन द बॉल गेम नो प्रॉब्लम अब i ट्वेल्व निकालते हैं सो वन प्लस आई इज वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दावर ट्वेल्व सो अगेन वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर वन बाय ट्वेल्व माइनस वन होल इंटू ट्वेल्व हम्म कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव बोल हुआ क्या नाम है तेरा मैं भूल गया ये बस बोलो अपना तो नाम बताओ तो फटाफट पीछे से ऑनलाइन में भी सब लोग अपना नाम फटाफट से बताओ कोई अपने मम्मी के अकाउंट से लॉग कर रखा है पप्पा के अकाउंट से लॉग कर रखा है पीछे से चालू करेंगे यस क्या नाम ठीक है हाँ जोर से बोलो रजत ऋषभ शिवम तनिष सांची साक्षी पलक ऋषिका श्रियांश सक्षम अंशा चिराग नंदिका माही, एकलव्य रौनक मेहुल, निधिश कृष्णा इप्शिता इशिका मुक्ति स्नेहल ईशा इतिशा सानवी अगर इनमें से आपके कोचिंग सेंटर्स में कोई भी आया तो ये हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है तो नेक्स्ट आते हैं अगर आई गया था क्या तुम लोग आई मजाक करे आई ट्वेल्व इज वॉट जीरो पॉइंट वन टू ठीक है अब इससे तुम लोग निकालो I वन प्लस आई ट्वेल्व By ट्वेल्व whole टू the power ट्वेल्व इज वॉट वन प्लस आई सो वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू बाय ट्वेल्व होल्ड टू दी पावर ट्वेल्व माइनस वन इज आई ठीक है ऑनलाइन में सबको यहां तक समझ में आ रहा है कोई भी दिक्कत कितना आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट ठीक है अब इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग निकालेंगे I2 I4 ठीक है तो कैसे करेंगे ध्यान देना 1 प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दार 12 ये क्या है मेरे को बताओ एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर सो दिस इज वन प्लस आई टू बाय टू का स्क्वायर ये भी क्या है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर ठीक है तो अब डालो सो वन पॉइंट मेरा फैक्टर बनेगा राइट पॉइंट वन टू को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा वन पॉइंट जीरो वन टू पावर ट्वेल्व होल डिवाइड बाई टू क्योंकि वो जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा माइनस वन होल इनटू टू समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है ट्वेल्व था डिवाइड में टू आया माइनस वन होल इनटू टू इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है Zero point. जीरो पॉइंट वन टू थ्री जीरो फोर ये आगे आई टू अब आई फोर के लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दावर ट्वेल्व इज वन प्लस क्या होगा बताओ आई फोर बाई फोर होल्ड टू द पावर फोर अब इसको खुद से सॉल्व करो मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं ये रिमोट पीछे पास दो तो बोलो आई फोर कितना आ रहा है वन टू फोर जीरो पॉइंट वन टू वन टू जीरो फोर ठीक है ना अब एक सम दे रहा हूं आई मेरे को दिया हुआ दस परसेंट आपको निकालना है वी डी आई टू आई फोर आई ट्वेल्व ये निकालो सारा सॉल्व करिए इसको हुआ सो so वी निकालना है वी इज वॉट वन बाय वन प्लस आई राइट तो कितना आ रहा बताइए जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो मैंने आया कैसे था ये वन बाय वन पॉइंट वन ठीक है फिर हम लोग को डी निकालना था सो वन माइनस बी तो मेरा ये कितना आया था जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन वन ओके नो प्रॉब्लम सो वन प्लस आई इज वॉट वन प्लस आई टू बाई टू का होल स्क्वायर तो कितना आ रहा है बताइए वन पॉइंट वन का पावर में हाफ माइनस वन होल इंटू टू इज वॉट आई टू फिर उसके बाद में आएगा मैं आप कर रहा हूं वन पॉइंट वन के पावर में वन बाय फोर माइनस वन होल इंटू फोर इज वॉट आई फोर एंड वन पॉइंट वन के पावर में वन बाय ट्वेल्व माइनस वन होल इंटू ट्वेल्व इज वॉट आई ट्वेल्व कितना कितना आ रहा है थोड़ा बताइए आई टू कितना आ रहा है हा जीरो पॉइंट नाइन सेवन सिक्स वन सेवन सिक्स फिर ये सही आ रहा है ना जीरो पॉइंट नाइन ना, ना 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 गलत आ रहा है तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पैसे जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेवन सिक्स वन एट फिर आई फोर जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स फोर फिर उसके बाद जीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव सिक्स नाइन जीरो बस किस किसका नहीं आया हाथ उठाओ ये डी और वी का सेम अच्छा ये नाइन जीरो नाइन जीरो है का पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन वन है कि वन है नाइन वन और यहां पर डी का नाइन जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन इज वन ओनली ना अगर आप वो ठीक है एक बात याद रखना अगर मैकेनिकल वर्क किया एग्जाम में तो क्या होगा हो सकता है तुम्हारा थोड़ा बहुत गलत हो जाए मतलब इसमें क्या है तुम लोग को अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा एंड शुरू शुरू में मेरे को बहुत इश्यूज हुए थे मतलब व्हेन आई आई स्टार्टेड दिस कोर्स इन 2015 जस्ट सी सीए इंटर एंड मैं एसेड से चालू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट से चालू किया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उतना अवेयरनेस भी नहीं था एंड शुरू शुरू में मेरे को तो ये सब सारे चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते थे मतलब शुरू शुरू में इतना सारा नोटेशंस आएगा अभी एंड मतलब तुम लोग को लगेगा कि एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट सो पीपल विल जज यू आसपास के लोग तुम्हारे फैमिली तुम्हारे फ्रेंड्स मे बी हम कभी तुम लोग को डांट दे बट ऐसा टाइम सबको स्टार्टिंग में जो होता है ना पहला पेपर अगर आपका क्लियर हुआ लाइक वेन यू क्लियर सी एम वन और सी एस वन योर फर्स्ट एग्जाम दिस मीन्स यूर ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट थ्रू बिकॉज जितना भी सारा फ्रिक्शन आना होगा ना वो पहला बार पढ़ते टाइम पे ही आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का इंटीग्रेशन कमजोर है किसी का डिफ्रेंसियशन कमजोर है किसी का लॉगरिदम किसी का इंडाइसिस किसी का एक्सपोनेंशियल तो जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है या फिर जिसको स्टैट्स में बेसिक एल्जेबरा में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक बार ही होगा हर पेपर में नहीं होगा वो चीज अभी इसीलिए शुरू का वन मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो शुरू का वन मंथ बहुत पेशेंस के साथ तुम लोग को रहना पड़ेगा इनफैक्ट जो पहला दो एग्जाम है हम लोग ये मानता है कि तेरा पेपर पे तेरा का तेरा पेपर पे ऐसा नहीं है दो द स्टडी आवर्स इज द सेम बट नोइंग द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम जब एक दो एग्जाम क्लियर करेगा ना फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि यार इसका पैटर्न ऐसा है इसमें अपने को पहले पूरा ये सॉल्व करना है अपने को पूरा क्लास कॉन्सेप्ट क्लास देखना है सारा सम्स क्लास देखना है अपने को पूरा मटेरियल बनाना है अपने को आ, सारा रिवीजन पेपर्स करना है सारा समरी क्लास करना है एंड वी आर डन फिर अपने को मॉक देना है दो तीन बार फिर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो ये पैटर्न जब तक तो तुम लोग एक दो बार करके सक्सेस इसमें नहीं अचीव करेगा तब तक का टाइम बहुत क्रूशियल है तुमको हर समय अपने ऊपर में सेल्फ डाउट आएगा कि ये मेरे से नहीं बन रहा है क्लास में तो सब लोग बना लिया ठीक है लोग तुम्हें ताने देंगे मौन रहना कुछ कहना मत सुभा करो तुम लोग ठीक है लोग तुम्हें ताने देंगे तुम मौन रहना शांत रहना उस समय कुछ मत बोलना ठीक है हमारी लड़ाई बड़ी है बड़ी क्यों है हमारी लड़ाई क्योंकि इसमें तेरह एग्जाम ऐसा नहीं कि एक एग्जाम एक क्लियर हुआ और तुम्हारा हो गया राइट लड़ाई हमारी बड़ी है इसीलिए हम मौन है जिस दिन हमारे हाथ में आएगी सफलता उस दिन बता देंगे सबको कि हम कौन है ठीक है तो अभी टाइम है अभी तुम लोग को चाराच साल पांच साल थोड़ा सा पेशेंस के साथ में रहना है एंड ट्रस्ट में इसमें क्या होगा ना कि चार साल का ग्रेजुएशन है जब तुम लोग तीन चार पेपर क्लियर करेगा तुम लोग देखेगा बहुत लोग का क्लियर है एज यू गो अप दी लैडर तुम लोग को लगेगा कि हां भाई अब जो मैंने किया है वो बहुत कम लोगों ने किया फिर तुम लोग थोड़ा और एक्सपीरियंस लेवल पे लोगों की बहुत कमी है क्रिटिकल थिंकिंग जो लोग का अच्छा है लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है जो लोग को सारा चीज अच्छा से समझा है ठीक है ना तो वहां पर थोड़ा पांच छह साल अभी बहुत वो ऐसा भी नहीं कि तुम लोग का पूरा एकदम लाइफ पूरा खराब हो जाएगा तो कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगा सोशल लाइफ सब कुछ रहेगा बट तुम लोग को क्या है दिन का दो घंटा करके कंसिस्टेंटली वो देना है तब जाके क्या है तुम लोग का एक 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 करके देखेगा हर छह महीना में एक दो एक दो एक दो करके यू विल क्लियर ऑल द एग्जाम्स इन द नेक्स्ट फोर इयर्स समझ रहे गाइडेंस ट्रेनिंग सब कुछ ठीक है बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी कि तुम लोग को हर दिन दो घंटा एकदम डेडिकेटेडली बैठना है घर पे एंड क्लास में आना है क्लास में आएगा तो तुमको लगेगा सब चीज एकदम मेरा स्मूथली मेरा जा रहा है जहां नहीं समझ में आ रहा पूछो ठीक है ना वो पैटर्न थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा ठीक है क्लास का स्ट्रक्चर थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा तुम लोग मेरे को छोड़ के खुद से आगे बढ़ जाएगा वैसे नहीं होगा फिर देखिए क्लास में नहीं आ रहा वैसे नहीं होगा एक अपना डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा मेरे को क्लास में जाना है ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा इज नॉट टू सेव योर क्लास टाइम कि भाई हम क्लास नहीं गया मेरे एक घंटा ट्रैवलिंग का बच गया दैट इज वाई वी आर कीपिंग लॉन्गर क्लासेस ऑन द डेज व्हेन यू कम वी रेस्पेक्ट योर टाइम इसलिए बोला एकदम सब लोग टाइम पे आएगा समझ रहे तो मिस मत करना क्लास ठीक है वो बहुत जरूरी है ठीक है तो ये हुआ अब इसके बाद तो पहला जो आज हम लोग सीखे वो क्या सीखे दैट वन प्लस इज वन प्लस आई पी बाई पी होल्ड टू दावर क्या है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज बीइंग डन इन अयर नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज बींग डन इन अयर तो यही तो हम लोग कर रहे हैं यहां पर मैंने क्या किया एक साल के अक्यूमुलेशन फैक्टर को बोलो क्या किया मैंने यहां पर एक साल के अक्यूमुलेशन फैक्टर को क्या किया मैंने यहां पर पहले सोच के बताओ क्या किया यहां पर मैंने equation में क्या किया ये बताओ मैंने मैंने क्या किया है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर को क्या किया बोलो इक्वेट किया किससे इक्वेट किया एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर से ही तभी तो जैसे मान लो जब पी के जगह में टू बैठाएगा तो क्या आएगा जब पी के जगह में टू बैठाएगा तो क्या आएगा वन प्लस आई टू बाई टू होल्ड टू दावर टू तो ये क्या है एक साल का तुम टू की जगह में चार बैठाओ तो भी क्या आएगा एक साल का तुम ट्वेल्व बैठाओ तो भी क्या आएगा एक साल का ठीक है तो बेसिकली इसीलिए यहां पर हम लोग ये इक्वेशन एक तो बनाए हैं यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक साल के अक्यूमुलेशन फैक्टर को एक साल के अक्यूमुलेशन फैक्टर से इक्वेट कर रहे तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए जीरो वन इज इक्वल टू ए जीरो वन अब जैसे इसी में मैं ये भी लिख सकता हूं दैट ए जीरो वन इज इक्वल टू ए जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ए जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट फाइव इंटू ए जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट सेवन फाइव इं टू ए जीरो पॉइंट सेवन फाइव से वन तो ये जो है इसका मतलब मैंने किस में ब्रेक किया है इसको क्वार्टर्स में तो मैं क्या लिख सकता हूं वन प्लस आई फोर बाई फोर होल्ड टू दावर फोर इज इक्वल टू वन प्लस आई ये सबको क्लियर है यस और नो बोलो हां कि ना ये सबको क्लियर है यस आयुष का अपना क्वेरी बोलिए एक मिनट हाँ बोलो डी का वैल्यू कैसे आया डी का वैल्यू आया इक्वेशन से ये रहा डी इज वन माइनस वी ठीक है V का वैल्यू जो निकाले उसको डालो तो D का वैल्यू आएगा ठीक है ठीक है अब जैसे ये वाला तो हुआ ये एक प्रैक्टिस हुआ दूसरा सिमिलरली हम लोग डी के लिए भी लिख सकते हैं वन माइनस डी क्या है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर सो दिस इज वॉट वन माइनस डी पी बाय पी होल्ड टू दावर पी अब यहां पर मेरा जो पी है वो क्या बन जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स डिस्काउंटिंग इज बींग डन इन अयर तो एक अभी हम लोग इस पर एग्जाम्पल करेंगे कॉपी हो गया एला एक अभी हम लोग इस पर एग्जाम्पल करेंगे बी मेरे को दे दिया है फाइव परसेंट ठीक है मेरे को निकालना है डी टू डी फोर डी ट्वेल्व सो अपने कैसे करेंगे वन माइनस डी इज वन माइनस डी टू बाई टू का स्क्वायर सो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल्ड टू दर वन बाई टू इज वॉट वन माइनस डी टू बाय टू इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं ये इधर जाएगा और वो उधर आएगा वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू दी पावर हाफ होल टू पावर सॉरी वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू दावर हाफ होल इंटू टू इज वॉट डी टू कितना आ रहा है पहले ये बताइए एक जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो सिक्स फोर वन यही आ रहा है सबका क्लियर है सबको यस और नो तो D4 कैसे निकालेंगे वन माइनस डी इज वर्ड वन माइनस डी फोर बाय फोर होल टू दावर फोर सो वन माइनस सॉरी दिस इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू दावर वन बाय फोर वन माइनस दिस होल इन टू फोर इज डी फोर हम लोग ना क्यू फोरम पे अब जैसे तुम लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह आता है ना तो वो तुम लोग क्यू फोरम पे डाल सकते हो ठीक है पहला चीज दूसरा चीज ये कि अभी हमारे जो मेंटर्स है जो वन टू वन मेंटरिंग करते हैं तो उनका भी एग्जाम्स चल रहा है दे आर गिविंग हायर लेवल एग्जाम्स सो बेसिकली होपफुली बाय वीक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन टू वन मेंटरिंग जहां पर आप टेन मिनट्स का स्लॉट बुक कर सकते हो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी ठीक है query, ना एन so, वो आपको वन टू वन मेंटरिंग के सेक्शन पे मिलेगा थर्ड इज दैट की स्टडी मेटेरियल सेक्शन में अगर आप जाएंगे

सो so, ट्रिगो मैं कभी यूज नहीं करूंगा ठीक है ना पूरे में ट्रिगो यूज नहीं होता है सो so, जो है एक्सपोनेंशियल वाला जो इंटीग्रेशन है बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए ठीक है ना तो वो आज घर पे रिवाइज करके आएंगे ठीक है एंड हमने एक्सेल बेसिक्स का क्लास डाल दिया शिवांगी मैम का तो एक्सेल का बेसिक्स हम लोग लाइव नहीं कराते हैं ठीक है तो वो यूट्यूब पे है उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का उसमें अराउंड सिक्स और सेवन एट वीडियोज है और सबका कमेंट में आप जाएंगे तो आपको एक्सेल फाइल्स भी मिल जाएगा वो आज हम लोग डाल देंगे ठीक है ना तो एक्सेल फाइल्स भी मिल जाएगा तो वो बेसिकली आप सबको आराम से कवर करना है एक दिन का टारगेट बनाइए एक एक वीडियो का तो तो टारगेट ये है कि बाय नेक्स्ट आज से ठीक एक हफ्ते में आपका एक्सेल बेसिक्स पूरा कवर हो जाना चाहिए तो उसका जो डाउट क्लास होगा एंड रिविजन क्लास होगा रिविजन क्लास में हम लोग एक दूसरा असाइनमेंट सॉल्व कराएंगे जिसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा ठीक है ना तो वो एक रिविजन क्लास हम लोग रखाएंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक रखाएंगे ठीक है नेक्स्ट वीक होपफुल टरडे वीकेंड कीप इट ठीक है ना तो वो हम लोग ग्रुप में बता देंगे ठीक है ना और शेड्यूल में टाइमिंग में चेंज है कल से साढ़े नौ बजे क्लास है ठीक है तो बेसिकली जो साढ़े दस था वो साढ़े नौ हो जाएगा ठीक है एंड बाकी एकदम एंड टाइम एकदम सेम है outside, तो ये वाला इसके बाद बताइए इसके बाद बोलो डी भी तो निकालना था सो वन माइनस टू दी पावर वन बाय ट्वेल्व होल इनटू ट्वेल्व इज वॉट डी ट्वेल्व डी फोर मेरा कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो जीरो नाइन सिक्स सिक्स और ये मेरा कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन वन एट फोर एक और करेंगे इस पर पहले एक फॉर्मूला देख लो एक साल का जो अक्यूमुलेशन फैक्टर है इट इज वन बाय एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर राइट तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस पी बाई पी ये भी क्या है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर हैल्ड टू दावर पी अब जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पी है जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पी है और ये वाला जो पी है ये दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है ना इसका एग्जाम्पल देखो वन प्लस आई टू बाई टू का स्क्वायर इज वन बाय वन माइनस डी फोर बाय फोर होल्ड टू दावर फोर क्यों ये एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है उंटिंग किस लो. लो था ठीक एक घंटा बारह मिनट पहले तो मैंने क्या समझाया था आज के क्लास का एजेंडा क्या रहेगा कि कोई भी टाइम पीरियड का हम लोग को इंटरेस्ट रेट दे दे कोई भी टाइम पीरियड का हम लोग को इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए ना अभी वो हमारा एजेंडा हुआ कंप्लीट ठीक है अब हम लोग मिक्स सम्स प्रैक्टिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स ठीक है तो ये अला कॉपी कर लो सब लोग कॉपी हो गया सबका हाँ हाँ थैंक यू अश्मिता आप जो क्लास है आप साढ़े दस बजे ज्वाइन करना सुबह का जो एक घंटा होगा मैं सम्स प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है तो वो वाला पार्ट आप बैकअप में करिएगा क्लास सेम डे अपलोड हो जाएगा ठीक है सिर्फ आपके लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ जिसका भी कॉलेज है ऐसा होगा कोई जिसका कॉलेज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह का एक घंटा हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम लोग साढ़े दस बजे से कॉन्सेप्ट चालू करेंगे ठीक है और पास पेपर्स का बुक सब लोग आज तो मैं उतना सबसे मन से करा रहा हूँ ठीक है लेके आना है पास पेपर्स एंड टेबल्स बुक ठीक है अब आगे बढ़िए अब जैसे मान लो हम लोग को दिया है i4 5% दे दिया है तुम लोग को d2 निकालना है ठीक है तुम लोग को d2 निकालना है तो d2 कैसे निकालेंगे ध्यान देना सो वन प्लस आई फोर बाई फोर होल्ड टू दावर फोर ऐसे देख के लग रहा है कि उसी में है बट ये बीच में है ठीक है इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बताइए वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव बाय फोर होल टू दावर फोर इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर ठीक है तो बेसिकली कैसे करेंगे वन माइनस डी टू बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस जीरो पॉइंट या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव सवा परसेंट मतलब वन पॉइंट टू फाइव परसेंट टू दी पावर माइनस फोर समझ गया ना ये डिनोमिनेटर में गया ये डिनोमिनेटर में गया तो नीचे में पावर में फोर था जब ऊपर आएगा तो पावर में क्या हो जाएगा नीचे में अगर पावर में फोर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर वही मैंने किया है ठीक है ना अब फिर इसके बाद वाले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं वन माइनस डी टू बाय टू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव टू दी पावर माइनस फोर बाय टू ठीक है अब इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ तो वन माइनस वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव टू दावर माइनस टू होल टू पावर ये उधर चला जाएगा होल सॉरी होल टू पावर नहीं होल इन टू टू इज वॉट डी टू सॉल्व कर लीजिए इसको क्लास में ब्रेक बिल्कुल नहीं है ठीक है क्लास में ब्रेक uh, बिल्कुल नहीं है ठीक है ना ऑलमोस्ट एवरी डे देर इज अ क्लास अनलेस एंड एंटिल आई हैव सम वर्क क्लास डेली होगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट कितना आ रहा है इसका आंसर वैसे जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फोर ये आ रहा है ना ठीक है अब जैसे मान लो मेरे को दिया है डी ट्वेल्व एट परसेंट तुम लोग को आई थ्री निकालना है थ्री क्या हो जाएगा वैसे आई थ्री क्या हो जाएगा एक साल को तीन भाग में डिवाइड करेंगे मतलब फोर मंथली ठीक है सो इसको सॉल्व करते हैं सो वन प्लस आई थ्री बाय थ्री होल्ड टू द्री इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट बाई टू दी पावर ट्वेल्व यही होता है डी ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू द So, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जीरो एट बाई ट्वेल्व कितना आता है दिस इज वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट ट्वेल्व होल टू दिपा माइनस ट्वेल्व बाई थ्री समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है फिर वन प्लस आई थ्री बाई थ्री हो जाएगा तो माइनस वन करेंगे फिर होल इनटू कितना करेंगे थ्री तब जाके मेरा आएगा यहां पर आई थ्री वट इज आई थ्री वट इज आई थ्री मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल फोर मंथली फॉर्मूला एकदम बेसिक है वन मुस्कान फॉर्मूला एकदम बेसिक है फॉर्मूला क्या है कि मैंने यहां पर क्या किया है मैंने यहां पर किया है एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर और यहां पर है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर सो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वन बाय एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो कुछ बोलना है ठीक है ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं एकदम क्लियर है सबको बोलो बोल बेटा ठीक है आंसर कितना आ रहा है इसका जीरो पॉइंट जीरो एट वन थ्री फाइव वन एक चीज समझना अब थोड़ा एडवांस लेवल समझते हैं थोड़ा एडवांस लेवल समझते हैं i 0.5 क्या हो जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्या होगा बताओ टू ईयर बाई भी इसको हम लोग बोलते हैं बाई भी इसको बोलते हैं बाईन का मतलब क्या होता है दो साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा सो फॉर एग्जाम्पल आई जीरो परसेंट ठीक है हम लोग को आई निकालना है अगर तो अपने कैसे निकालेंगे क्या इक्वेशन बनाएंगे हम लोग वन प्लस आई ये एक साल का है वन प्लस आई जीरो पॉइंट फाइव बाई 0.5 कोई बता सकता है ये कितने साल का एक्युमुलेशन फैक्टर है ये कितने साल का एक्युमुलेशन इधर इधर वाला कितने साल का है गलत i 0.5 क्या है नोमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल टू इयर्स जब तुम 0.5 से डिवाइड करेगा तो ये कितना साल का रेट बन जाएगा खाली अगर हम इसका बात करेंगे तो ये मेरा क्या है 2 इयर्स एक्सीलेंट यही चाहिए था मेरे को आ रहा तुम लोग के अंदर से धीरे धीरे आएगा टू ईयर्स इफेक्टिव का स्पेलिंग सही है क्या ठीक है so, का effective rate is what? साल का साल अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया दैट वन प्लस आई जीरो पॉइंट फाइव बाई जीरो पावर जीरो पॉइंट फाइव सो दिस इज वॉट अब ये पूरा क्या बन गया एक साल का एक्युमुलेशन फैक्टर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये 0.5 को इधर लेके जाओ ये 0.5 को इधर लेके जाओ ठीक है तो अब ये क्या 0.5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एक 1 एक्सलेंट तो ये 1 plus i का स्क्वायर दो साल मतलब दो साल का एक्युमुलेशन फैक्टर एंड 1 i 0.5 0.5 क्या है दो साल का एक्युमुलेशन फैक्टर ठीक है तो कितना आरएस का आंसर बताइए आप लोग सब कितना जीरो पॉइंट वन एट ये मेरा क्या आ रहा है जीरो पॉइंट वन एट थ्री टू वन फाइव आ रहा है क्या सबका सबका आ रहा है जीरो पॉइंट वन एट थ्री टू वन फाइव सबका आ रहा है बोलिए अरे बोलो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग तो क्या वो डर लग गया ऐसा कुछ नहीं है अभी तो शुरुआत है जब अभी कोई क्लास ट्वेल्व का स्टूडेंट आता है ना आई जस्ट लव मैथ ऐसे बोलेगा बोले क्यों करना है आई जस्ट लव मैथ ऐसा कोई सम नहीं था जो मैं बना नहीं सकता था ठीक है हम बोले कितना आएगा बस में हंड्रेड अच्छा पहला क्लास में आता है लव के लिए मैंने लव नहीं सॉरी लव तो लव के लिए तो लव हमेशा हंड्रेड परसेंट ही रहेगा मैथ्स के लिए लव हंड्रेड परसेंट दूसरे क्लास में नाइन्टी फाइव दस क्लास के बाद वो जीरो पे आ जाता है मजाक कर डर मत डर मतलब कुछ नहीं है ठीक है तो ये आ, हो गया आर एस का आंसर ठीक है आइए सो डी मेरे को दिया हुआ है डी मेरे को दिया हुआ फिफ्टीन परसेंट मेरे को निकालना है d2 d4 d12 try d365 as well ठीक है सो पहला पार्ट कैसे करेंगे वन माइनस डी इज वन माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर सो दिस इज वन माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव पावर हाफ राइट वन माइनस दिस होल इन टू बोलो टू इज वॉट डी टू अगर ये सही है तो मतलब इसी पैटर्न में बाकी सब भी आएगा वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव टू पावर वन बाय फोर होल इन टू फोर इज वॉट डी फोर अगर ये सही है तो फिर इसी पैटर्न में बाकी भी आएगा तो दिस इज वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव टू दी पावर वन बाय ट्वेल्व होल इनटू ट्वेल्व इज इक्वल टू डी ट्वेल्व फिर इसके बाद में वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव पार वन बाय थ्री सिक्सटी फाइव होल इन टू थ्री सिक्सटी फाइव इज डी थ्री सिक्सटी फाइव सो डी थ्री सिक्सटी फाइव क्या हो जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल डेली नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल डेली वैसे एक्चुअलीज में थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेज होता है एंड फिफ्टी टू पॉइंट वन एट वीक्स होता है ठीक है सॉल्व करिए इसको सॉल्व इट बड़ी सॉल्व इट हो गया कितना आ रहा है डी थ्री सिक्सटी फाइव का बताओ एक काम करते हैं रुको एक मिनट रुको एक दो तीन चार है ना हाँ बोलो एक एक करके बोलो जीरो पॉइंट वन सिक्स टू फोर एट थ्री फिर ये लास्ट वाले का है क्या नहीं लाइन से बोलो सिक्स जीरो नाइन वन वन फाइव नाइन टू फिर आ गया सबका बोलो ठीक है तो हाँ, सोच में आया तो so ये बताओ तो ये क्या होगा d 0.5 पॉइंट फाइव बाय जीरो इसका मतलब क्या है टू ईयरली इफेक्टिव वट इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट यह क्या हो जाएगा आई जीरो पॉइंट टू बाय जीरो पॉइंट टू फाइव ईयरली क्या फाइव ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाय जीरो पॉइंट टू फाइव क्या हो जाएगा बताओ फोर ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं तुम लोग से एक बात पूछना चाहता हूं इफ आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाई जीरो पॉइंट टू फाइव इफ आई जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव इसका मतलब क्या है? पहले मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या है? पहले मेरे को ये बताओ ये हो गया तुम्हारा क्या चार साल का इफेक्टिव रेट हो गया तो अगर ये है तुम्हारा 0.4 तो चार साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बन जाएगा चार साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बन जाएगा चार साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर हम लोग का बनेगा 1.4 समझा मैंने ये समझना फोर इफेक्टिव रेट मतलब ये पर नहीं है चार साल का रेट है मैंने चार साल में पैसा 40 परसेंट से ग्रो किया है इसका मतलब ये है बोलने का फिर यहां से अगर एनुअल निकालना है So, हम लोग करेंगे 1.4 पॉइंट फोर टू दावर जीरो पॉइंट टू फाइव फिर हम लोग करेंगे 1.4 पॉइंट फोर टू दावर जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस वन समझा ना तो बेसिकली हम लोग इक्वेशन क्या बना रहे 1 प्लस आई टू पावर फोर इज 1 प्लस आई जीरो पॉइंट टू फाइव बाय जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है सो so, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग क्या क्या किए सबसे पहले हमने सीखा दैट अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड उसके बाद हमने सिंपल कन्वर्जन देखा वी मेरा क्या होता है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर वी स्क्वायर मेरा क्या होता है दो साल का वी क्यूब हो जाएगा तीन साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर राइट उसके बाद हमने क्या सीखा उसके बाद हमने देखा दैट वी एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो वो वन बाय वन प्लस आई होगा एंड वी जो एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो वन माइनस डी भी हो सकता है उसके बाद हमने सीखा कन्वर्जन इक्वेशन सो so, कन्वर्जन इक्वेशन हमारे क्या थे प्लस पावर पी एंड वन माइनस डी जो है विच इज वॉट वन माइनस डी पी बाय होल टू दावर पी एंड द मोस्ट जनरल फॉर्म इज वॉट वन प्लस आई इज वॉट वन बाय वन माइनस डी इसके बाद हमने इसको भी कन्वर्ट करना सीखा सो वन प्लस आई पी बाल्ड टू दावर पी इज वॉट वन बाय वन माइनस डी पी बाय पी होल्ड पावर पी एंड ये पी और ये पी सेम होना जरूरी नहीं है राइट बिकॉज वॉट वी आर इक्वेटिंग इज दैट एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं वन बाय एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से राइट ये सबको समझ में आ गया सारा ये सब चीज समझ में आ गया ठीक है क्लियर है उसके बाद में हमने देखा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं आई जीरो टू बाई जीरो पॉइंट टू तो ये हम लोग का क्या था फाइव इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है ना क्लियर है दैट्स इट फॉर टुडे कल मिलेंगे ठीक है टाइम साढ़े नौ बजे अभी सेकेंड क्लास होगा मतलब तुम लोग का